यार पार्टनर, अपना तो बैड लक ही खराब है। स्कूल जाने से पहले ही कमर टूट गई। पार्टनर, अगर हम साइकिल से नहीं गिरते तो हमारी इसके नीचे चटनी बन जाती। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, सही है। फिर से लेट हो गए। चलो क्लास में जाने से पहले लगाओ ग्राउंड का इकराम। और सर हमारा बैग? लाओ अपना बैग इधर, हम क्लास में जा रहे हैं। रख देते हैं। ये क्या पार्टनर, सुबह सुबह दौड़ लगानी पड़ रही है, ये अच्छी बात नहीं है। अरे पार्टनर सोच, हमारी बैग भी क्लास में भाग गई और पढ़ाई से भी छुटकारा मिल गया। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सही सही सही। अरे रुको रुको रुको, का बिना परमिशन के अंदर आ रहे हो? म्युनिसिपैलिटी का गार्डन है, चलो जाओ बाहर। थैंक यू सर। थंकू थंकू का है? बाहर जाएंगे और ठंडी हवा खाएंगे। अरे तुम लोग बदमाशी के सिवाय करते का हो? चलो जाओ चुपचाप, जाके खड़े हो जाओ अपने बेंच पे। थैंक यू सर। बाहर जाने के लिए बोला तो भी थैंकू, बेंच पे खड़े रहने के लिए बोला तो भी थैंकू, का पगला गए हो का? जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हम दौड़ दौड़ के थक गए, अगर बैठ जाते तो नींद आ जाती। हाँ, अब खड़े रहेंगे तो सो नहीं पाएंगे और क्लास में पढ़ाई पे ध्यान दे सकेंगे। अले यार, लाठी थल ने गलते एक मैगजीन मंगाई थी, उसमें ट्रॉफीज के बारे में एक आर्टिकल छपा हुआ था, मैं गल पे ही भूल गया, मर गए यार। अरे देखना जीवा, जो हुआ है अच्छे के लिए ही हुआ है। अच्छे के लिए हुआ है? मेरे इम्प्लेटन की तो लग गई। अरे जीवा भाई, वो राठी सर तुम्हें बुला रहे हैं, वो ट्रॉफी वाली मैगजीन लेके चलो। वो चाहते हैं कि स्टाफ रूम में आकर तुम सबको ट्रॉफी के बारे में पढ़ के सुनाओ। पढ़ के सुनाओ थप टीचर के सामने? मगर मैं तो वो मैगजीन भूल गया। देखा बच्चों, बच गया, नहीं तो टीचर के सामने बुक से पढ़ना पड़ता। हाँ यार, ये तो सच में अच्छे के लिए हुआ। अब समझा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। नो, सब कुछ अच्छे के लिए नहीं होता। मेरा MP3 प्लेयर खो गया है स्कूल में कहीं पर। का का? MP3 प्लेयर लाए हो स्कूल में? दिखाओ कहाँ है। MP3 स्कूल में अलाउ नहीं है। नहीं तो वो हम ऐसी बात कर लेते। बच गए तुम करण, अगर MP3 प्लेयर मिल जाता तो तुम्हारी खैर नहीं थी। देखा MP3 प्लेयर खोने का फायदा, जो हुआ अच्छा हुआ। यस, बात तो सही है, मगर बहुत महंगा था। चल फिर ढूंढते हैं। अरे जो हुआ अच्छा हुआ। अच्छा हुआ कैसे? अच्छा हुआ। ओ वाह, मेरा MP3 प्लेयर। वाह, गिरने की वजह से मुझे मेरा MP3 प्लेयर मिल गया। देखा दो हुआ अच्छे के लिए हुआ। ये क्या बोल रहे हो तुम लोग, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ज्ञान तू एक बात बता, तू इतनी पढ़ाई करता है, इतना पढ़ के करेगा क्या? मैं खूब पढ़ाई करके फर्स्ट आऊंगा, फिर मैं MBA करूंगा। फिर मेरे पास अच्छी सैलरी वाली जॉब होगी और फिर मेरे पास बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और बड़ा बंगला होगा और मैं उसके बाद चैन से आराम करूंगा और पेड़ के नीचे ठंडी हवा में सैंडविच खाऊंगा। इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? ये देख, हम तो अभी भी सैंडविच खा रहे हैं पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवा में। सही कहा तुमने, बात तो दोनों सही कह रहे हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। ही माँ, ये क्या मायरा, तुमने तो सबीना का पूरा कैनवस खराब कर दिया। जो होता है अच्छे के लिए होता है।
अरे इसमें अच्छा क्या हुआ? मैम अब इसे पेंटिंग बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो एक मॉडर्न पेंटिंग बन गई है। ये क्या हो रहा है? जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो फिर तुम दोनों भी यहाँ मत दिखो, क्लास के बाहर खड़े हो जाओ। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अरे ये का क्लास बाहर ही हो रहा है का? सब के सब एक साथ? यस सर, साथ में सजा पाने से यूनिटी बढ़ती है। जो होता है अच्छे के लिए हो रहा है। ये ओके होएगा, हमारी गाड़ी तो पंचर होएगी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अरे रे, ये कांच किसने तोड़ दी? छोड़ो ना पटेल अंकल, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अरे ध्यान से, अरे तोड़ दिया। छोड़ो ना सर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। पूरा क्लास तो फेल हो गया, तुम भी फेल हो गए ज्ञान। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये बात है सर, इस पूरा प्रॉब्लम का जड़ बद्रीनाथ और बुद्धदेव है, का करें इन दोनों का? अगर हमारा बस चलता तो हम इन दोनों को स्कूल से सस्पेंड कर देते। फिर तो दोनों कहेंगे यो तो बहुत अच्छा हुआ, अब हम फुल टाइम खेल सकेंगे भाई। अरे हमारे स्कूल का नेगेटिव पब्लिसिटी होगा कि बच्चों को संभाल भी नहीं पाते हम। बात तो सही है मैडम। तो का इलाज किया जाए? उनको सस्पेंड करने के बजाय मैं सोच रहा हूँ कि आपने सस्पेंड कर दूँ। सर हमने क्या बिगाड़ा है, ऐसा मत कीजिए। अरे ऐसा तो करना ही पड़ेगा दुबे। दुबे यू आर सस्पेंडेड, निकल जाए यहाँ से। कहाँ भूल रहे हैं आप? अब चेहरा ना दिखाइए यहाँ पे। अरे दुबे तो कहाँ है, वो तो उनकी क्लास है ना। राठी सर ने दुबे जी को सस्पेंड कर दिया। अरे जो होता है अच्छे के लिए होता है। मतलब दुबे जी की स्कूल से हमेशा के लिए छुट्टी। अब अमाली क्लास कौन लेगा? खड़क सिंह। वही खड़क सिंह जिसके खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ और खड़कता है पूरा क्लास। खड़क सिंह अब क्या होगा? अटेंशन, मैं आ रहा हूँ। नाम है खड़क सिंह, पूरे स्कूल को खड़का के रख दूंगा। मेरी क्लास में स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, वो सोल्जर होते हैं। लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, कहाँ है मेरे स्टूडेंट्स? लेफ्ट राइट लेफ्ट। खड़क सिंह ये तो बहुत डेंजर लग रहा है। ये तो कोई आर्मी वाला लग रहा है। तो तलकल लाठी तलते बात करते हैं। चलो। और तुम सब तो कहते हो ना कि जो होवे वो अच्छे के लिए होवे, उसका क्या? नहीं तल, ये बिल्कुल अत्ता नहीं हो रहा है। दुबे तल के बिना हम नहीं दी पाएंगे। अरे बेटा खड़क सिंह सर आएंगे ना तो तुम सब ध्यान से पढ़ोगे, अच्छे नंबर भी लाओगे। उनके पास जादू का डंडा है। नहीं सर, उनसे बहुत डर लगता है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सर सुना है वो टीचर नहीं सोल्जर है। सर प्लीज दुबे जी को मत भेजिए। तो मतलब ये हुआ कि जो होता है वो अच्छे के लिए नहीं होता। yes, sir. मतलब हर चीज अच्छे के लिए नहीं होती है और हमने सूझबूझ से काम लेना पड़ता है। yes, sir. मतलब अब तुम सब पॉजिटिव सोचोगे पर समझदारी से काम लेके। yes, sir. मतलब मेरी बात मानते हो ना तुम लोग? आखिर प्रिंसिपल है हम। yes, sir. तो मतलब दुबे जी को ना भेजू? no, sir. तो तुम लोग पहले की तरह सिंसियरली पढ़ाई करोगे? yes, sir. ओके, तो मैं अपना ऑर्डर वापस लेता हूँ, दुबे जी अब कहीं नहीं जाने वाले। एंड में जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। पार्टनर अच्छा हुआ दुबे सर वापस आ गए, वरना मुर्गा बनने की बजाय हमें डंडे पड़ते। सही कह रहा है पार्टनर, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। एकदम लल्लन। यार पार्टनर, खड़क सिंह मेगा रोबोट को हरा सकता था क्या?
सब कहाँ जा रहे हैं? लगता है कहीं सेल लगी है, चल देखते हैं। अरे ये सेल नहीं, खेल है, सर्कस का खेल। सर्कस का खेल? वही ना, जिसमें खूब सारी मौज और मस्ती होती है। जोकर होते हैं, कलाबाज होते हैं, जानवर होते हैं। अरे अब जानवर नहीं होते, सिर्फ इंसान होते हैं। जानवरों को बहुत दर्द होता है ना? और हाँ, मर्द को दर्द नहीं होता। ₹100? नहीं नहीं यार पार्टनर, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, अब हम सर्कस कैसे देखेंगे? सर्कस देखने के लिए टिकट की नहीं, ट्रिक की जरूरत होती है। ट्रिक? चल मेरे साथ। देख दोस्त, हम इन डंडों की मदद से सर्कस में घुसेंगे। वो कैसे? हम इन डंडों से खुद को ऊपर उछालेंगे, फिर हम जाकर सर्कस के तंबू पर गिरेंगे। हमारे वजन से तंबू फट जाएगा और हम दोनों सर्कस के अंदर पहुंच जाएंगे। मतलब ये सब लोग गेट से जाएंगे और हम लोग छत से पहुंच जाएंगे। छत से भी और फट से भी। तो चल फिर तैयार हो जा। रेडी पार्टनर। अरे फट से पहुंचे तो नहीं, लेकिन झटके जरूर लग गए। अरे देख, हम यहाँ से अंदर घुस सकते हैं। ये रास्ता हमें पॉपकॉर्न की तरह उछलने से पहले क्यों नहीं मिला? अरे यार, हमसे पहले स्कूल के इतने सारे बच्चे यहाँ पहुँच गए हैं। अरे ये स्कूल के बच्चे नहीं, हम दोनों ही हैं। क्या? ओ बद्री, तू कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? यहाँ से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है दोस्त। कौन सा? हमें अपनी आंखें बंद करनी होंगी। अरे तब तो हमें कोई रास्ता नजर ही नहीं आएगा। अरे सारी प्रॉब्लम देखने से ही तो आ रही है, ना हम देखेंगे ना कोई प्रॉब्लम आएगी। लल्लटा। अरे दोस्त, वो देख, हवाई कलाबाज। बाप रे, मुझे तो इन्हें देखकर ही डर लग रहा है। अरे बुद, आंखें खोल, देख जोकर आ गया। अरे इसकी साइकिल तो अपनी रॉकेट जैसी लग रही है। हाँ, लेकिन इसको तो सिर्फ एक ही टायर है। पार्टनर, हमें भी सर्कस में जोकर बन जाना चाहिए। हाँ, हमारे पास तो रॉकेट भी है। बस जोकर की तरह लाल नाक नहीं है। अरे उसकी टेंशन मत ले, वो तो एक घूसा पड़ते ही लाल हो जाएगी। जोकर अंकल, जोकर अंकल, जोकर अंकल। आ? हमें सर्कस में जोकर रख लो ना प्लीज। क्या कहा तुमने? अंकल हमें जोकर बनना है, हमारे पास खुद की साइकिल भी है, दो दो सीट वाली। सिर्फ लाल नाक की कमी है। तुम लोग अभी बच्चे हो, तुम्हारी उम्र पढ़ने की है, जोकर बनने की नहीं। अंकल लेकिन हम अच्छे जोकर बन सकते हैं। सिर्फ बन सकते नहीं, हम जोकर ही है, चाहे तो किसी को भी पूछ लो। अरे जोकर बनना आसान काम नहीं है, कई साल मेहनत करनी पड़ती है। चलो अभी जाओ, मुझे बहुत काम करने हैं।
अब हम जोकर कैसे बनेंगे? कॉपी करके। कॉपी करके? अरे ये एग्जाम थोड़ी है। अरे एग्जाम वाली कॉपी नहीं, जोकर की कॉपी करेंगे। अब लग रहे हैं ना हम जोकर? हाँ एकदम लल्लंदम। तुम लोगों ने अपनी नाक पर ये लाल बॉल्स क्यों लगाई हैं? लगता है इन लोगों की नाक बहरी है। अरे नहीं, हम लोग सर्कस में जोकर बनने जा रहे हैं। तुम दोनों तो पहले से ही जोकर हो, बनने की क्या जरूरत है? थैंक यू। शाबाश बुद्ध और बदली। देखा दोस्त, अब हमें सर्कस में जोकर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लगता है तुमको थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है। अरे ये तो हम जानबूझकर गिरे थे। हाँ, तुमको हंसाने के लिए। जोकर अंकल, जोकर अंकल, पहचाना? नहीं, कौन? हम हैं आपके सर्कस के नए जोकर। तुम दोनों, मैंने कहा था ना कि तुम लोग जोकर्स नहीं बन सकते। जोकर अंकल प्लीज एक बार हमारा एक्ट तो देख लीजिए। आपने कहा था ना कि जोकर बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हमने भी बड़ी मेहनत करके ये एक्ट तैयार किया है। ठीक है, दिखाओ अपना एक्ट, पर जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा तो हम पहले से ही करते हैं, इसमें नया क्या है? नाइ नाइ फिश। जोकर अंकल ने तो हमारे प्लान की हवा ही निकाल दी। अरे प्लान की हवा निकल गई तो क्या हुआ, हमारी साइकिल में हवा अभी बाकी है। अरे अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरे अरे रुक जाओ। कोई हमें बचाओ, हमें जोकर नहीं बनना। चले थे, जमीन पे गिर गए। हाँ दोस्त, जोकर बनने के चक्कर में हम पोपट बन गए। फैंटास्टिक, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा बढ़िया एक्ट कभी नहीं देखा। वेल डन बॉयज, आज से तुम हमारे नए जोकर।
हाँ तो बच्चे लोग हमरे पीछे जोर से दोहराओ, हेल्थ इज वेल्थ, मतलब स्वास्थ्य ही असली धन है। हेल्थ इज वेल्थ मतलब स्वास्थ्य ही असली धन है। अरे मतलब बोलने की जरूरत नहीं है। अरे मतलब बोलने की जरूरत नहीं है। पता नहीं तुम लोग तोते से इंसान कब बनोगे। अरे हमें तो ये सोचना पड़ेगा कि हम मुर्गे से इंसान कब बनेंगे। सर आप ही क्या कर रहे हैं, कोनो पहलवानी कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं का? नहीं दुबे जी, स्कूल में हेल्थ कैंप होने वाला है। बच्चों हेल्थ कैंप में सबकी हेल्थ का टेस्ट होगा। एक और टेस्ट? अभी अभी तो मंथली टेस्ट हुआ था। घबराओ मत, इस टेस्ट के लिए पढ़कर आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वाह, आप सारे टेस्ट ऐसे ही क्यों नहीं लेते? बड़ा खुश हो रहे हो बुद्धदेव, हेल्थ कैंप के बाद हम मैथ का टेस्ट लेंगे, तब खुश होना। हेल्थ कैंप में क्या क्या होता है? मैंने सुना है ब्लड टेस्ट होता है, मोटी सी सुई कमर में डालकर ढेर सारा खून निकाल लेते हैं। क्या कहा, मोटी सुई से खून निकाल लेते? हाँ मैंने भी सुना है। बहुत दर्द होता होगा ना? होता होगा, पर तू क्यों डर रहा है? तेरी बॉडी में तो इतना एक्स्ट्रा खून है, थोड़ा निकाल ही लेंगे तो तू कौन सा दुबला हो जाएगा। अगर हम में से किसी को कोई बीमारी हो और वो हेल्थ कैंप में पकड़ी गई तो पता है क्या होगा? क्या होगा? इतनी सारी खानी पड़ेगी। क्या चॉकलेट? चॉकलेट नहीं, टैबलेट, और साथ में कैप्सूल्स और कड़वा सिरप भी। दिन में पता नहीं कितनी बार खानी पड़ती है। खाने से पहले, खाने के बाद, सोने से पहले, सोने के बाद। बाप ले बाप, फिर तो खाना कम और दवाइयाँ ज्यादा खानी पड़ेगी। नहीं मैं हेल्थ कैंप नहीं जाऊंगा। हम भी नहीं जाएंगे। लगता है डॉक्टर आ गए। ये कहाँ से आ गई? जा यहाँ से। लगता है ये हमें छुपने नहीं देगी। अरे छुपना छोड़, भाग यहाँ से, क्योंकि अगर इसने काट दिया तो इंजेक्शन नहीं भी लगने वाले होंगे ना, तो भी लग जाएंगे। तुम लोग यहाँ छुपे बैठे हो, चलो निकलो वहाँ से और हेल्थ कैंप पहुँच जाओ। यस सर। कूड़े दान में छुपने से कुछ नहीं होगा, चलो जाओ हेल्थ कैंप में जाओ। ये तल किताबी दुनिया से बाहर आओ ज्ञान, चलो निकलो। अब कोई भी बच्चा कहीं नहीं जाएगा, हेल्थ टेस्ट सबके लिए कंपलसरी है। और हाँ, जो भी बच्चा हेल्थ टेस्ट नहीं देगा उसको हम मैथ्स का टेस्ट देंगे, समझे? बाप रे बाप, 60 किलो, ये तो तुम्हारी उम्र और हाइट के हिसाब से बहुत ज्यादा है। डॉक्टर अंकल, ये वजन नहीं, मेरी मम्मी का प्यार है, वो मुझे हर रोज दस दस पलाते खिलाती है। कोई बात नहीं बेटा, तुमने मम्मी का प्यार देखा, अब डॉक्टर का भी प्यार देख लो। डॉक्टर अंकल, लगता है आपका प्यार टूटता है, लेने दीजिए, मैं बिना प्यार के ही ठीक हूँ। नहीं बेटा, इंजेक्शन तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा नाम है डॉक्टर टटोले, मैंने बड़ी बड़ी बीमारियों के राज हैं खोले। पटेल जी इसे बेड पर ले जाओ। मम्मी मम्मी, मुझे तोल दो, मुझे तोल दो। घबराओ मत बेटा, ये इंजेक्शन कब अंदर जाएगा और कब बाहर आएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मम्मी, 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 मम्मी। लगता है इसको डर के मारे।
अरे सूसू लग गई। अरे सूसू नहीं, सुई लगी होगी उसको। अब सामने बोर्ड पर जो लिखा है जरा पढ़कर बताओ। अरे ये क्या, तुम एक भी अक्षर सही ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हो। नहीं डॉक्टर अंकल। कोई बात नहीं बेटा, मेरा नाम है डॉक्टर टटोले। मैंने बड़ी बड़ी आँखों के राज हैं खोले। अब पढ़ो। अभी भी कुछ नहीं पढ़ पा रहे हो। नहीं डॉक्टर अंकल। अब पढ़ो। क्या हुआ बेटा, अब भी नहीं पढ़ पा रहे हो? कोई बात नहीं, इतनी जल्दी मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। अगले 7 दिन तक तुम ये चश्मा पहनना, उसके बाद तुम सब कुछ पढ़ पाओगे। मैं सब कुछ पढ़ पाऊंगा? हाँ हाँ, तुम सब कुछ पढ़ पाओगे। दांत काफी सड़ गए हैं, लगता है बहुत सारा चॉकलेट खाते हो। नहीं सर, दांत सड़े नहीं हैं, वो तो होली का रंग है जो मुंह में चला गया था। मैं उसे खुद निकाल लूंगा, आप रहने दीजिए। ऐसे कैसे रहने दूं? मेरा नाम है डॉक्टर टटोले, मैंने बड़ी बड़ी दांतों के राज है खोले। इस इंजेक्शन की वजह से तुम्हें दांत साफ कराते वक्त जरा सा भी दर्द नहीं होगा। जो दर्द होना था वो तो हो गया डॉक्टर अंकल। पार्टनर, डॉक्टर अंकल ने कहा है कि अगर मैं ये चश्मा 7 दिन तक पहनूंगा तो मैं कुछ भी पढ़ सकता हूँ। क्या बात कर रहा है, तू कुछ भी पढ़ पाएगा? फिर तो हमें दुबे सर की भी जरूरत नहीं, मैं पढ़ूंगा और तुझे भी पढ़ाऊंगा। सॉरी सर, बुद्ध को ठीक से दिखा नहीं इसीलिए। इतना मोटा चश्मा पहनोगे तो दिखेगा कैसे? उतारो ये चश्मा। नहीं सर, ये चश्मा मुझे डॉक्टर अंकल ने दिया है, कहा है इसे 7 दिन तक पहने रहना। क्या? एक बात तो है राठी सर, आपके स्कूल के बच्चे थोड़े शरारती हैं, लेकिन आपके जैसे ही तंदुरुस्त हैं। हाँ क्यों नहीं होंगे डॉक्टर साहब, आखिर प्रिंसिपल है हम। डॉक्टर साहब, क्या आपने बुद्ध को ये चश्मा पहनने के लिए दिया है? हाँ दुबे जी, इसकी आँखें काफी खराब हैं। ये बच्चा बोर्ड पर लिखा एक भी लेटर पढ़ नहीं पाया, हमने सारे लेंस लगाकर जांच कर ली है। इसकी प्रॉब्लम हमारे समझ में आ गई। दुबे जी, आपने बताया नहीं कि आपने डॉक्टरी भी पास की है? अरे नहीं सर, बुद्ध की आँखों में नहीं, उसकी पढ़ाई में प्रॉब्लम है। कितनी उंगली है? एक। तुमको नहीं, बुद्ध को पूछा है, कितनी उंगली है? पार्टनर बता दो सर को कि एक उंगली है। अरे तुम बीच में मत बोलो, बुद्ध को बताने दो। अब कितनी उंगली है? दो। अरे सर क्या कर रहे हैं, हम बुद्ध को पूछ रहा हूँ। सॉरी गलती हो गई, पूछो बुद्ध से पूछो। अब बुद्ध बताएगा और सिर्फ बुद्ध ही बताएगा कि कितनी उंगलियां हैं। सर सबकी 10 उंगलियां ही तो होती है। अरे हमने कितनी उंगलियां उठाई हैं वो बताओ। 3 सर। अब बोलो। 6। बराबर, देख रहे हैं डॉक्टर बाबू, इसकी आँख फर्स्ट क्लास है। अभी कुछ घंटे पहले तो ये कुछ भी नहीं देख पा रहा था, इट्स ए मेडिकल मिरेकल। ये मेडिकल मिरेकल नहीं, काला अक्षर बुद्ध बराबर है। क्या कह रहे हैं आप? दुबे जी सही कह रहे हैं, इस लड़के को लेटर्स पढ़ना नहीं आता।
नॉट ही सर, आपके स्टूडेंट को पढ़ना नहीं आता। बच्चा है, धीरे धीरे सीख रहा है। वाह वाह प्रिंसिपल सर, अपने स्टूडेंट की आप बुराई नहीं कर सकते। क्या करें, प्रिंसिपल हैं हम। पार्टनर, आज भी होमवर्क नहीं किया। हाँ यार, मैंने तो बहाना भी सोच लिया है, क्या बोलना है। अरे वाह, तू तो मेरे से भी स्मार्ट हो गया। बता क्या बोलेगा तू? वही जो तू बोलेगा। सर को बोलते हैं कि हम किडनैप हुए थे, या फिर बोलते हैं अर्थक्वेक आया था। अरे अर्थक्वेक आएगा तो सबको पता चलेगा ना। हम कहेंगे कि होमवर्क तो किया पर नोटबुक घर पे भूला है। पुराना आइडिया है। जब राठी सर पूछेंगे कि होमवर्क का है, तो हम बोलेंगे कि हम दुबे सर का होमवर्क कर रहे थे। हाँ, और जब दुबे सर पूछेंगे तो बोल देंगे कि राठी सर का होमवर्क कर रहे थे, इसलिए हमें उनका होमवर्क करने का टाइम ही नहीं मिला। हाँ, लुल्लन टॉप। लिसन एवरीबॉडी, सुनो सब, राठी सर की कार खराब हुई है, वो आज क्लास में टाइम से नहीं पहुँचेंगे। हमने इतनी मेहनत से आइडिया निकाला और अब सर ही नहीं आ रहे। हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। कोई बात नहीं, ये आइडिया कल यूज करेंगे। चलो दोस्तों, क्लाउन में खेलते हैं। रुको रुको सब। दौड़ा जीवा खाएगा बासी पकौड़ा। तूने लिया मुझसे पंगा, अभी तुझे ही आउट करूंगा। लंगड़ा घोड़ा खेत में दौड़ा, जीवा खाएगा बासी पकौड़ा। लंगड़ा घोड़ा नहीं पार्टनर, ये तो लंगड़ा हाथी है। अरे कौन थूक रहा है मुझ पे? जीवा थूक नहीं रहा है कोई, ये तो बारिश की बूंदे हैं। चलो चलो अंदर चलो, जल्दी चलो। हाँ भीग जाएंगे। बारिश आई, रेन रेन, बारिश बारिश, रेन रेन, यो यो। बारिश में क्या हो रहा है? स्नान। बारिश में आउटडोर गेम अलाउ नहीं है, खेलना है तो इंडोर में जाके खेलो। चलो क्लास के अंदर। जीवा जीवा बद्री बद्री। ओ गुरु, खेल के मैदान में चारों तरफ से शोर मचना चालू हो गया है, और ये साइंस लैब की छोर से जीवा बॉलिंग करते हुए, और स्ट्राइकर पे बद्रीनाथ, और ये जीवा ने यॉर्कर डाला, और ये बद्रीनाथ का हेलीकॉप्टर शॉट, ये 4 रन। ओ गुरु, जीतने के लिए चाहिए 2 गेंदों पे 3 रन, पर बद्री है बिल्कुल कूल, जैसे हो कोई गेंदे का फूल। तभी ना टोला उदल दो। जीवा है परेशान, देखते हैं क्या फील्डिंग चेंज करेगा कोई कमाल। अच्छा अब खेल के दिखा। शानदार शॉट, और उतनी ही शानदार फील्डिंग। ये मैच तो हम ही जीतेंगे। अले जा, भला आया जीतने वाला। ये जीवा की अगली गेंद। और सायरा ने कैच ले लिया। कैच कैच, कैचेस विन द मैचेस। पार्टनर आखिरी बॉल, बस एक बाउंड्री चाहिए। तू टेंशन मत ले पार्टनर, एक क्या 2 बाउंड्री मारूंगा। पहले बैट को तो थीदा पकड़ना ठीक। जो जीतेगा वही सिकंदर, जो हारेगा वो बन जाएगा बंदर। ठोको ताली, आखिरी बॉल। जीवा ने बॉल डाली। जीवा की टीम ने मैच जीत लिया है। बल्ले बल्ले बिगिन। और जीत गए, और जीत गए, और जीत गए। जीवा की टीम जीत गई। लूडल कहीं के। चल क्रिकेट तो बच्चे खेलते हैं, दम है तो मेगा रोबोट की गेम में हमें हरा के दिखाओ, और मेगा रोबोट का फिनिशिंग मूव करके दिखाओ। जीवा की टीम जीत गई। ओए 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 ओए। अरे शांत हो जा, चुप हो जा, सारे का सारा स्कूल सर पे उठा रखा है। सर आप ही ने तो कहा था इंडोर गेम खेलो, आउटडोर गेम अलाउड नहीं है।
अरे इंडोर गेम खेलो, लेकिन जो भी खेलो जरा शांति से खेलो। किसी के पास कोई आइडिया है क्या खेला जाए? चल गिल्ली डंडा। जीवा, अकल के दुश्मन गिल्ली डंडा आउटडोर गेम है, इंडोर नहीं। बैठ जाओ। चुप। सर कैरम खेलते हैं। सर चेस। सर स्क्रैबल खेले स्क्रैबल। ए हुआ ना कोई बात, सारा क्लास मिलकर स्क्रैबल खेलेगा। बद्री ये स्क्रैबल क्या होता है? अरे मार्बल का छोटा भाई स्क्रैबल। कंचे खेलने की बात कर रहा है ज्ञान। टेल ये इटक्लैबल क्या है? स्क्रैबल एक वर्ड गेम है, इसमें शब्दों का स्पेलिंग बनाना होता है, जैसे सी ए टिकट आर ए टी रैट। चलो इसी बहाने सबका स्पेलिंग भी सुधरेगा। अरे यो के दुबे जी, हम थोड़ा लेट के हो गए, आपने बच्चों के साथ मिलकर खेल खेलना शुरू कर दिया। अरे सर बच्चे शोर मचा रहे थे तो हमने सोचा कि पढ़ाई वाला गेम खेल लेंगे। ओहो तो स्क्रैबल खेल रहे हैं सब। चलो फिर मुकाबला शुरू कर लो, जो सबसे बड़ा वर्ड बनाएगा उसने समोसा और जूस मारी तरफ से। <ललंटाप। laughs> तो ज्ञान तुम शुरू करो ये गेम। V-I-C-T-O-R-Y विक्ट्री। ये बहुत अच्छा ज्ञान, अब बद्री की बारी है। S-R ये वर्ड बनाना भी कोई गेम होता है? ऐसा लग रहा है कि स्कूल में भी होमवर्क कर रहे हैं। टेंशन मत ले पार्टनर, हम इसमें भी जीतेंगे। S-A-M-A-R समर। वो क्या होता है? जैसे सर्दियों को अंग्रेजी में विंटर कहते हैं, वैसे ही गर्मियों को समर। इतना भी नहीं पता तुझे? वो SUMMER समर होता है। हाँ ये समर गलत है। तो ठीक है नया शब्द बनाते हैं, हम कोई डरते हैं क्या? DEKHING ये क्या है? देखो इंग। आपके सामने है, प्लीज ध्यान से देखो इंग। अरे ये क्या वर्ड है? ऐसा कोई वर्ड नहीं है। सर आप तो सब जानते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल हैं आप, तो आप ये बताइए ये सही है ना? मन्ना यहाँ सिर्फ प्राइज देना है भाई, जजमेंट ना। अगर कोई भी डाउट है तो बिंदिया मैडम से पूछ लो। उमा ये क्या? देखो इंग। ये तो सब गलत है, ना हिंदी है ना इंग्लिश, मिक्सचर है झोल झाल। कोई बात नहीं, तो इसमें से अंग्रेजी हटा देते हैं। ये देखो पूरा, ये तो हिंदी है, इस स्क्रैबल में हिंदी नहीं इंग्लिश चलता है। कैसे नहीं चलेगा हिंदी, हमारी मदर टंग हिंदी है। पर स्क्रैबल एक इंग्लिश वर्ड गेम है। पर हम इंडियन है। तो सर स्क्रैबल हमें हिंदी में खेलना चाहिए कि इंग्लिश में? जो बात तो सही कही छोरा ने, आज स्क्रैबल हिंदी में खेला जाएगा भाई। ये! मैं हिंदी में भी जीत सकता हूँ। ROTI ज्ञान ने तो रोटी बना दी। हम लेके आएंगे समोसा। दोस्तों समोसे के अंदर होता है आलू। और तेरे आलू को खा जाएगा हमारा बालू। बहुत तेज। वाओ ही इज फूल। गुलाब का GULAB गुलाब। हाँ तेरे गुलाब को हम बेच देंगे मून पे, गुलाब जा मून। बस इस प्लेट पे स्वीट डिश की कमी थी, वो भी आ गया। और तेरे गुलाब जामुन को सूंघते सूंघते आ गया ANT एंड लास्ट वर्ड मैं बनाऊंगा। LALLANTAP ललंटाप। ललंटाप ये कोई वर्ड नहीं है। ये वर्ड है, मैं रोज इसे यूज करता हूँ। तुम्हारे यूज करने से कुछ भी बकवास वर्ड नहीं बन जाएगा। आइडिया जीवा, समोसे खाएगा टमोटा? हाँ दे दो। तो फिर प्रूफ कर कि ललंटाप एक वर्ड है। अभी लो। तेल ये बुत बिल्कुल सही तेल है, ललंटाप एक शब्द है, इनके गल में लोद इस्तेमाल होता है। इतकी मम्मी पूछती है कि काना कहता बना, तो पापा कहते हैं ललंटाप। और पापा पूछते हैं
की ड्रेस कैसी लगी? तो मम्मी कहती है लल्लन टॉप। यो बात है तो ठीक है, आज का सबसे बड़ा वर्ड है लल्लन टॉप। तो जाओ कैंटीन में और हमारी तरफ से समोसे और जूस पी लो। बेला टी ए एम ओ टी ए तमोता किदल है? ये आधा बचा है, ले ले, तू भी क्या याद रखेगा। हाँ, गलत स्पेलिंग पे भी हमने तुम्हें समोसा दिया। समोसा टी ओ एम ओ टी ए नहीं, एस ओ एम ओ एस ए होता है। दोस्त, दो दिन बाद होली है और अब तक हाथ में पिचकारी नहीं आई। वैसे पिचकारी से भी क्या कर लेता तू, बच्चे तो तेरे मुंह में गुब्बारे मार के चले जाते हैं। ज्यादा हंस मत, मैं चाहूँ ना तो तुझे अभी बिना पिचकारी के भी भिगा सकता हूँ। बिना पिचकारी कैसे भिगाएगा बुद्धू? ऐसे। अच्छा बेटा, उस्ताद से उस्तादी, रुक बच्चों। सर, ये कौन सी चिड़िया आ गई मार्केट में जो आपकी पीली गाड़ी को नीली करके चली गई? अरे यो कौन करगा, यो तो मन्ने भी ना दिखा। लेकिन जिसने भी मारी राम न्यारी पर रंग डाला है उसने ना छोड़ूंगा मैं। प्रिंसिपल है हम। इनको पता नहीं ये किसी चिड़िया का काम नहीं बल्कि दो मुर्गों का काम है। वाओ, व्हाट अ पेंटिंग, व्हाट अ थॉट, व्हाट क्रिएटिविटी। खूब भालो सर, कहाँ से कराया आपने ये डिजाइन? डिजाइन वाह, खूब भालो। क्या हुआ जीवा, इतना टेंशन में क्यों है? कोई प्रॉब्लम है क्या? यार मुझे डर लग रहा है। तू जीवा होके डरता है, सब लोग क्या कहेंगे? डरपोक कहेंगे और क्या कहेंगे। ए, मैं डरपोक नहीं हूँ। वो तो बस मुझे तोला पेंटिंग ते डर लगता है। पेंटिंग? अरे ये तो अपने बाएं हाथ का खेल है। हाँ, हम तो दाया हाथ यूज ही नहीं करते। तू टेंशन मत ले, हम बना देंगे तेरी पेंटिंग। बता क्या बनाना है? नीली थल पोकलेट। तू कैनवस में फिट आएगा? मुझे पता है कैनवस में हाथी भी फिट हो जाता है, मैं तो फिर भी बच्चा हूँ। हाथी का बच्चा। क्या? कुछ नहीं, चल उधर खड़ा हो जा, हम स्टार्ट करते हैं। बन गया। बन गया? दिखा कहता बना। ये देख, एकदम लल्लन टॉप। ये तुम लोगों ने क्या किया, मुझे डोंकी बना दिया। सिर्फ डोंकी नहीं, मंकी और मेंढक भी बनाया, ठीक से देख। मैं तुम लोगों को नहीं चलूंगा। ये सब क्या हो रहा है, सब उल्टा पुल्टा गंदा कर दिया। इस कोला के मंदिर में तुम बदमाशों का कोई जगह नहीं।
मैडम के रिमोट में अचानक म्यूट कैसे दब गया बुद्धू? अरे वाह, ये पेंटिंग कौन बनाया? ये दोनों मैडम। ये तो मास्टरपीस। तुम्हीं खूब भालो आर्टिस्ट, खूब भालो, भीषण भालो हुए थे। देखो इन ज्ञानियों ने क्या लिखा है, भारत में सबसे ज्यादा बारिश जमीन पर होती है। ए, चुप हो जा। ऐसे महानुभावों को पढ़ाने से अच्छा है कि हम अभी के अभी ये स्कूल छोड़ के चले जाए। मतलब आज फेयरवेल पार्टी, ये चलो कैंटीन। चुप रह, भुवन, पार्टी चाहिए ना, जाओ वहाँ जाके मुर्गा बनो और पार्टी करो। अरे ये क्या होच्छे? दुबे जी, व्हाट आर यू डूइंग? ये दोनों आर्टिस्ट है, आप कलाकार को मुर्गा बना रहे हो। बुद्धू तुम्हें पता है क्या कि हम दोनों कलाकार हैं? कलाकार नहीं, बेकार। सर मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ जी बोलो। सर बुद्धदेव और बोधिनाथ इंग्लिश हिंदी साइंस के लिए नहीं बना है। ये तो हम पहले दिन से जानते हैं। नहीं नहीं सर, ये लोग आर्टिस्ट हैं। इनको पढ़ाई के लिए प्रेशर देगा तो इनका आर्ट का टैलेंट प्रेशर में दबकर फूस हो जाएगा। एटा चोलबे ना सर। अरे चौबे नहीं दूबे। मैं तो बोलता है इन दोनों का पेंटिंग इस साल के कोलाशाला अवार्ड के लिए भेजना चाहिए। अरे ये आइडिया बालो नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है। सर ये लोग अगर जीत जाएगा तो हमको ट्रॉफी मिलेगा। हैं ट्रॉफी? ट्रॉफी बड़ी वाली है ना? तो ठीक है बिंदिया जी, आज से कुछ दिनों के लिए ये बच्चे थारे हुए। गए दोनों। यशो ये है तुम आर्टिस्ट लोगों का रूम, इधर जितना चाहो उतना क्रिएटिविटी दिखाओ और ऐसा भालो पेंटिंग बनाओ कि कलाशाला की ट्रॉफी जीत कर राठी सर का सपना पूरा हो जाए। भालू मैडम, हम भालू बनाएंगे क्या? हैं, जो तुम्हें बनाना है बनाओ। बनाना भी? हैं, बनाना, सेब, संतरा, मुर्गा, जो चाहे बनाओ। मैडम पेंटिंग रेडी है और हमने पैक भी कर दी है। वेरी गुड, शाबाश। देखिए सर आपके सपने के लिए कितना मेहनत किया ये बच्चा लोग। सपना नहीं ट्रॉफी बिंदिया जी, ट्रॉफी। अब आप इनको खिलाओ टॉफी, हम वेट करते हैं और पीते हैं कॉफी। ठीक है सर, ठीक है, खूब भालो। दुबे जी इस पेंटिंग को कलाशाला कंपटीशन के लिए भेज दो भाई। सर एक नजर देख तो लेते, क्या बनाया है इन दोनों ने। अरे अब मन्ने ट्रॉफी देखनी से पेंटिंग ना देखनी मन्ने। चलो भेज दो। ठीक है सर, मगर फिर मत बोलिएगा कि दुबे ने डुबा दिया। अगर हम ट्रॉफी जीत गया ना तो सारा स्कूल को मिष्टी दोई खिलाएगा। सर 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 हम जीत गए, ये देखिए ट्रॉफी। मैं आज तक बुद्धदेव और बद्रीनाथ के टैलेंट को समझ ही ना पाया, लेकिन आज के बाद ऐसा ना होगा। ये देखो ये लेटर, ये ट्रॉफी, मारा सपना सच होएगा। अरे सर लेटर पढ़िए ना जल्दी से, मुझे आपका तारीफ सुननी है। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं।
हमारी तारीफ में उन्होंने लिखा है, प्रिंसिपल महोदय, कलाशाला के इतिहास में इतनी विलक्षण अद्भुत कलात्मक कलाकृति किसी कलाकार ने ना बनाई। सर, बड़ी इच्छा हो रही है इन दोनों कलाकारों की कलाकृति देखने की। मन्नत भाई, ट्रॉफी समझ में आवे है, प्रिंसिपल है हम। पर यह पेंटिंग है के, यो भी तो समझा दे मन्ने। बिंदिया जी, हमें भी बताइए ये बनाया का है। इश, कला के बारे में खुद कलाकार ही बता सकता है। ये यहाँ एक भैंस घास खा रही है। घास? हमें तो कहीं घास नजर नहीं आ रहा। घास कैसे नजर आएगी, वो तो भैंस ने खा ली है। हैं? भैंस? मन्ने तो ना देख रही भाई। भैंस तो घास खा के चली गई ना। ये क्या है? ये इधर। अब घास खाने के बाद भैंस गाना थोड़ी गाएगी, गोबर भी तो देगी। बुद्धदेव, बद्रीनाथ। अरे पार्टनर, ये क्या कर रहा है? गुदगुदी हो रही है। होमवर्क? किसका? अपना। मतलब मेरा होमवर्क तू इसके बाद करेगा ना। वेरी गुड, वेरी गुड। वैसे किस सब्जेक्ट का होमवर्क कर रहा है? वो तो देखा नहीं, एक मिनट रुक। मैथ्स का। क्या हुआ? रॉकेट क्यों रोकी? सामने देख पार्टनर, एक पेन। पेन, उसका तोड़ने में मजा आएगा। चढ़ा दे रॉकेट उसके ऊपर। नहीं, उसको तोड़ेंगे नहीं, उसको अपने पास रखेंगे, बड़े स्टूडेंट्स की तरह स्मार्ट लगेंगे, स्मार्ट। नहीं, पेन से पढ़ाकू दिखेंगे, इज्जत खराब हो जाएगी। हम दोनों में से बड़ा, समझदार, इंटेलिजेंट, ब्रेव, ज्यादा हैंडसम और हीरो जैसा कौन है? तू है यार। तो मेरे ऑर्डर को पूरा कर और जा, उतर और लेकर आ। जा, 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 जा। ऐसी बात तो ये ले। अरे पेन यूज मत करना, वरना दुबे सर डांटेंगे। फिर हमने पेन उठाया क्यों? ताकि हम स्कूल में लाइटें मार पाएं। देखना, दूसरे पेंसिल वाले बच्चे चिढ़ेंगे हमसे, बेचारे। अब ये मेरे पास रहेगा, ये बड़े लोगों की चीज है। चलो सब अपना अपना होमवर्क हमारी टेबल पर रखो। बद्रीनाथ, ये क्या है? पेंसिल से लिखना सीखे नहीं और पेन चलाना शुरू कर दिए। बुद्धदेव, कम से कम नाम तो देख लिया कर, किसकी नोटबुक में लिख रहा है? खड़े हो जा, हाथ ऊपर करके। सर, ये बुद्धदेव ने लिखा है, मैंने नहीं। अच्छा, हमको समझा रहे हो, ये तुम्हारी कॉपी में क्यों लिखेगा? ये तो अपनी में भी नहीं लिखता है। सर, देखिए बद्रीनाथ के पॉकेट में पेन है। हाँ, हमारे स्कूल में पेन। खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर। पेन लाने के लिए मना किया था ना, अब ये वाला पेन हम रखूंगा। क्या हुआ दुबे जी, बद्रीनाथ ने खड़ा क्यों कर रखा है? सर जी, ये अपनी नोटबुक में पेन से लिखता है। ओ, ये बात है, तो हाथ नीचे कर ले भाई बद्रीनाथ, क्योंकि आज से तुम सब पेन से लिखोगे। क्यों सर, पेन से तो बड़ी क्लास के बच्चे लिखते हैं ना। अब से इनको भी परमिशन है, प्रिंसिपल है हम। बैठ जा बद्रीनाथ, बैठ जा, पेन से ही लिख। हो सकता है पेन हाथ में आए तो दोनों का दिमाग किक स्टार्ट हो जाए। हाँ सर, दिमाग में से ना ब्रम ब्रम की आवाज आती है जब हाथ में पेन आता है। दुबे जी, कर दो इनको पेन वापस, बड़े बड़ों को सीधा कर दिया है कलम ने, अब देखें टेढ़े बच्चों पे क्या असर होता है। नेक्स्ट। हल्का, टिकाऊ, अगर हवा का बहाव धीरे हो तो ये अच्छी चलेगी। ए, ये पेन है, एरोप्लेन नहीं। नेक्स्ट। सो क्यूट।
नेक्स्ट। अतो पहले मेली बाली। तुमसे पहले ये तीनों दे लाइन में। कहाँ जीवा खड़ा हो जाए, लाइन वही थे ही चुलू होती है। थम्दे। अरे स्पेलिंग गलत है जीवा। हाँ जी आई वी ए नहीं, जी ई ई वी ए नहीं, जे ई ई वी ए। घटिया पेन, थप पेन की ही गलती है। स्पेलिंग भी नहीं आती इतने। कल इतने अच्छा पेन मैं लेके आऊंगा। तुम तीनों अभी इतने बड़े नहीं हुए कि पेन यूज कर सको। अरे हम तेरे जितने तो बड़े हैं। ठीक है अभी देखते हैं। वाह मैं भी यही पेन खरीदूंगी। नेक्स्ट। सोचना भी मत। क्यों? तूने दुबे सर को शिकायत की, शिकायती टट्टू, गोल गोल जैसे लट्टू, चल यहाँ से हट्टू चल। सब पेन लाए हो? सर फाउंटेन पेन, सबसे महंगा और शानदार, मेरे पापा ने लाके दिया। दिखने में तो धुंधल है, डबल दत तलता होगा ना? हाँ हाथ में पकड़ो और बस हाथ अपने आप चलना शुरू। अरे हमारा पेन भी व्रूम करके लिखता है, विश्वास ना हो तो हो जाए पेन्स की रेस क्लास की बात। वन टू थ्री गो। क्या हुआ? क्या हुआ करण, चोट लगी का? सर मेरा फाउंटेन पेन किसी ने चुरा लिया। चुरा लिया? सबीना। यस सर। सबके बैग चेक करो, अभी पता चलेगा कौन चोर है। मेरा पेन ये बद्रीनाथ के बैग से निकला। हमको मालूम था यही होगा। बद्रीनाथ क्लास के बाहर खड़ा जाओ। पर मैं इसका पेन क्यों चुराऊंगा, लिखने वाला पेन तो मेरे पास भी है। क्लास के बाहर जाओ, चलो। पता है मुझे करण के बच्चे ने फंसाया है, उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। कैसे? ऐसे। अब आएगा मजा। कल सब सोचेंगे ये करण ने किया है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि फाउंटेन पेन हमारे पास भी है। अरे किसने किया ये? फाउंटेन पेन की इंक। किसके पास है फाउंटेन पेन? सर जी करण के पास है। है नहीं था, उसकी निप टूट गई थी, अब मेरे पापा ने नया पेन दिया है, जेल वाला। और किसके पास है फाउंटेन पेन? सर मेरे पास है। गलत शिकार पार्टनर, करण तो बच निकला। मारना था मेगा रोबोट को, मगर अपनी टीम पर ही अटैक कर लिया गलती से। बच्चों आज हैंडराइटिंग कंपटीशन है, जिसका सबसे अच्छा हैंडराइटिंग होगा उसको एक गिफ्ट। मैं ही जीतूंगा, क्योंकि मेरे पास है जेल पेन जो हैंडराइटिंग को बना देता है एकदम सुंदर। Thank you.
शॉप का हैंडराइटिंग चेक किया एंड द विनर इज बद्रीनाथ। पार्टनर तुम ही हो हमारे ग्रुप की शान, तुम ही हो। अच्छी हैंडराइटिंग अच्छे पेन से नहीं, अच्छी प्रैक्टिस से होती है। मेरे लिए? अरे अपने दोस्त को दे रहा हूँ, तो उसी का हुआ ना। तुम दोनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, एकदम इवन नंबर्स की तरह, जो चाहे जितने भी ऑड नंबर से क्यों ना घिरे हो, हमेशा इवन ही रहते हैं। जैसे कि अगर हम 2 को 8 से प्लस करें और फिर उसमें से 4 माइनस करें और फिर हम करें करण से बदला लेने के चक्कर में कल हम मेगा रोबोट से बदला लेना भूल गए। कोई बात नहीं पार्टनर, आज बता देंगे मेगा रोबोट को किसमें कितना है दम। लल्लटास।